नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी की पाठशाला में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करें, अगर कोई पेशेंट आपके पास है तो कैसे पता करें कि उसे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। और होम्योपैथी की पाठशाला बहुत ही अच्छा, ये एक पूरा चैप्टर है, तो पूरे चैप्टर में जितने भी वीडियोस हैं, अगर आपको होम्योपैथी से लगाव है, आप होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, तो लॉकडाउन में समय है सीखने का और आप ज़रूर सीख सकते हैं। तो पूरे एपिसोड्स इसके देखते जाइए और होम्योपैथी सीखते जाइए। तो आज हम बात करेंगे पोटेंसी के बारे में, मतलब कितनी शक्ति की मेडिसिन आप दें। आपने मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है और आपको ये पता लगा कि उसे लाइकोपोडियम आपको देना है, लाइकोपोडियम मेडिसिन आपने सेलेक्ट कर ली, अब कौन सी पोटेंसी में आप उसे दें। आज मैं इसी के बारे में आपको अपना कुछ एक फॉर्मूला और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे बहुत ईजी तरीके से पोटेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटेंसी सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बहुत सारी जटिल प्रक्रिया है, अलग अलग तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी पोटेंसी देनी है। जो मैं तरीका अपनाता हूँ आम तौर पे, वो बहुत ही इजी है। और मैं जब पोटेंसी सेलेक्ट करता हूँ तो तीन चीज़ें ज़रूर देखता हूँ, और तीन तरह के सिम्टम्स को देखते हुए मैं पोटेंसी सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब ऐसे लक्षण जो डिसीज से सीधे रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को कफ हो रहा है, ये एक पैथोलॉजिकल सिम्टम है। खांसी हो रही है, कफ निकल रहा है, कफ पीला कलर का निकल रहा है, ये सब पैथोलॉजिकल सिम्टम। अगर आपको वायरल फीवर है तो आपको बहुत तेज़ बुखार होगा, सर्दी होगी, हल्की सी खांसी होगी, सर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, ये सब प्रॉब्लम होगी। तो ये वायरल फीवर के पैथोलॉजिकल सिम्टम हैं। इनको देखकर मैं पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को देखकर पोटेंसी सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा, मेंटल सिम्टम्स, मतलब मानसिक लक्षण। मेंटल सिम्टम्स कैसे होते हैं, मानसिक लक्षण कैसे होते हैं, व्यक्ति कैसे सोचता है, क्या सोचता है, चिड़चिड़ाता है, चिंता करता है, रात में उसको कैसे सपने आ रहे हैं, रात में उसे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, या बहुत ज़्यादा वो गाली गलौज करता है। ऐसे सिम्टम्स जैसे कि OCD में होते हैं, इंसोमनिया की प्रॉब्लम होती है, एनजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी पैथोलॉजिकल सिम्टम के साथ मानसिक सिम्टम भी पेशेंट बता देते हैं। जैसे किसी को अगर बुखार है और बुखार के दौरान वो मन में बहुत सारी चीज़ें उसे चलती रहती हैं, कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो जाएगी, या किसी को हल्की बुखार है और वो सोच रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं, कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो जाएगी, तो कभी कभी पैथोलॉजिकल सिम्टम के साथ मेंटल सिम्टम्स भी आपको मिल जाते हैं, और कभी कभी सिर्फ पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ही एक केस में मिलते हैं। और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, मतलब जैसे लाइकोपोडियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसा व्यक्तित्व है, या कैल्केरिया कार्प का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा व्यक्तित्व है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख के मैं पोटेंसी सेलेक्ट करता हूँ। तो आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, जो एक्यूट केसेस हैं जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जो एक्यूट केसेस होते हैं, इनमें पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर मुझे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स सिर्फ देखने को मिलते हैं किसी एक केस में, सर्दी, खांसी, बुखार, जॉइंटिस, जो कि आप बोल सकते हैं लगभग 70-80% केसेस में यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में मैं लोअर पोटेंसी और मिडिल पोटेंसी, मतलब 30 CH और उससे नीचे की पोटेंसी या मदर टिंचर में प्रिस्क्राइब करता हूँ मेडिसिन, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्यूट केसेस में लोअर पोटेंसी 30 CH और मदर टिंचर में आप मेडिसिन देंगे तो आप बहुत जल्दी पेशेंट को ठीक कर पाएंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन ठीक हो जाएगी और पेशेंट जल्दी से जल्दी क्योर हो जाएगा। अब चलते हैं, अगर किसी पेशेंट को बहुत ही अच्छे मेंटल सिम्टम्स मुझे देखने को मिलते हैं, जैसे कोई पेशेंट मेरे पास इंसोमनिया का आया,
एनजाइटी का आया, डिप्रेशन का आया और बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंटल सिम्टम्स उसने बताया, बिल्कुल पिक्यूलियर कि वो सिर्फ समझ में आ रहा है मुझे कि कैनाबिस सिंडिका का वो पेशेंट है या एनाकार्डियम का वो पेशेंट है। तो अगर मेंटल सिम्टम्स आपको बिल्कुल पिक्यूलियर मिलते हैं और आपको मेडिसिन पता चल जाती है और मेंटल सिम्टम्स के बेस पे अगर मेडिसिन आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो मेडिसिन आप थोड़ी सी हायर पोटेंसी में दीजिए और उसे रिपीट मत करिए। जैसे कि अगर आप कैनाबिस सिंडिका दे रहे हैं 200 पोटेंसी में दीजिए, अगर 200 से आराम नहीं लगता है और आपको लगता है कि मेडिसिन सही है तो आप फिर 1 mg पोटेंसी तक भी दे सकते हैं, 10 mg पोटेंसी तक भी दे सकते हैं। ऐसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ में आ जाता है कि पेशेंट जो है वो कैल्केरिया कार्प का है या पेशेंट जो है वो लाइकोपोडियम का है या फॉस्फोरस का है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मोस्टली पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन होती है और ऐसे पेशेंट जो हैं वो बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं। उनको डायबिटीज़ भी हो सकता है, साथ में बीपी भी हो सकता है, पैर में दर्द भी हो सकता है और बहुत सारी मेंटल कंडीशन, मेंटल सिम्टम्स भी होंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आए पेशेंट, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सोचनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है वो मैं ज़्यादातर 0/1 पोटेंसी में देता हूँ या तो हायर पोटेंसी में देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जानना है तो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप अच्छे समझ लीजिएगा। अगर लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है मुझे तो मैं लाइकोपोडियम या तो 1 mg में दूंगा या तो 0/1 में दूंगा। अगर मेरे पास 0/1 है तो मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करता हूँ कि मैं 0/1 में दूँ। अगर नहीं है तो मैं 1 mg में देना कोशिश करूँगा और इसे आप रिपीट ना करें, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार दें, 0/1 आप रिपीट कर सकते हैं। तो हायर पोटेंसी या तो आप 0/1 ऐसी पोटेंसी में दे सकते हैं। तो आप तीन तरह से पोटेंसी का सिलेक्शन करें। अगर आपकी मेडिसिन पैथोलॉजिकल सिम्टम पे बेस्ड है तो आप लोअर पोटेंसी या मिडिल पोटेंसी दें, अगर मेंटल सिम्टम्स पे बेस है तो आप हायर पोटेंसी दें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आप समझ लिए हैं पेशेंट का और बहुत सारी बीमारियां हैं तो आप 0/1 पोटेंसी ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं है आपके पास तो 1 mg पोटेंसी में या हायर पोटेंसी में आप मेडिसिन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस उसके बाद रिपीटेशन ऑफ डोजेस आगे जो वीडियो आएगा उस पे मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो रिपीटेशन ऑफ डोजेस मतलब आपने पोटेंसी सेलेक्ट कर ली है, अब पोटेंसी आप कितने बार दें, कितने बार रिपीट करें मेडिसिन, ये मैं आगे आने वाले होम्योपैथी की पाठशाला में आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए क्योंकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। और नीचे शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर शेयर करिएगा, मैसेज ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।